हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बिशप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल बी डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। इन यूनिट एंड मेजरमेंट वी आर स्टडी डायमेंशनल एनालिसिस, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ द डिजिट। टुडे आई विल बी डिस्कस सम न्यूमेरिकल और द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास वॉच ऑब्जर्व टू बी 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 एंड 1.53। कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द टर्म ऑफ द एब्सोल्यूट एरर एंड द परसेंटेज एरर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें वह एरर से रिलेटेड है। तो अब क्वेश्चन में चूंकि सोल्यूशन पाते हैं इसके, तो सोल्यूशन नंबर वन पे आते हैं। तो इसमें एन वन की वैल्यू दिया हुआ है 1.45, एन टू की वैल्यू दिया हुआ है 1.56, एन थ्री की वैल्यू दिया हुआ है 1.54, एन फोर की वैल्यू दिया हुआ है 1.44, एन फाइव की वैल्यू दिया हुआ है 1.54 एंड एन सिक्स की वैल्यू दिया हुआ है 1.53। तो ये कह रहा है कि किसी एक्सपेरिमेंट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालते हैं, तो हमने 6 ऑब्जर्वेशन किया है और उसके रीडिंग्स हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि पहले इसमें हमको निकालना है कि व्हाट इज़ द मेन वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने इसमें क्या बताया था कि मेन वैल्यू निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम मीन वैल्यू की बात करें तो मीन वैल्यू इक्वल टू जाएगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर प्लस एन फाइव प्लस एन सिक्स डिवाइडेड बाई 6। यानी 6 ऑब्जर्वेशन हमने लिया है, 6 को ऐड करेंगे और फिर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1.45 प्लस 1.56, 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 डिवाइडेड बाय 6। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो चूँकि सभी में डेसिमल के दो प्लेस हैं तो 3, 4, 7, 11, 15, 21, 26, कैरी वर टू 5, 5, 10, 14, 19, 24, 28 टू 30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बाय 6 इज दैट आ गया हमारा 1.5। तो ये तो आ गया हमारा मीन वैल्यू। अब चूंकि इसमें दूसरा हमारा पार्ट दिया हुआ है, पार्ट वन हो गया, पार्ट टू में दिया हुआ है कि व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब यहाँ पर पहले हम इसका मीन वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा, अगर हम इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं तो एन माइनस एन वन निकालेंगे, फिर एन माइनस एन टू निकालेंगे, एन माइनस एन थ्री निकालेंगे। तो हम पहले यहाँ पे अब मीन निकालने के लिए पहले निकालते हैं डेल्टा एन वन इक्वल टू एन माइनस एन वन। तो अगर हम डेल्टा एन वन निकालेंगे तो उसी तरह से डेल्टा एन टू भी निकालेंगे, डेल्टा एन थ्री भी निकालेंगे और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो हो जाएगा 1.51 माइनस 1.45 इक्वल टू 6, 0.06। डेल्टा एन टू निकालते हैं तो एन माइनस एन टू लिखेंगे तो एन की वैल्यू आ चुका है 1.51 माइनस एन टू की वैल्यू दिया है 1.56 इक्वल टू हो गया माइनस 0.05
0.05। डेल्टा यन थ्री निकालेंगे तो यन माइनस यन थ्री निकालेंगे तो 1.5 माइनस यन थ्री की वैल्यू दिया है 1.54, ये हो जाएगा माइनस 0.03। इसी तरह से हम डेल्टा यन फोर भी निकालेंगे, यन माइनस यन फोर 1.51 माइनस यन फोर की वैल्यू 1.44 दिया हुआ है तो हो जाएगा 0.07। डेल्टा यन फाइव निकालेंगे, यन माइनस यन फाइव 1.51 माइनस यन फाइव की वैल्यू दिया 1.54 तो हो गया माइनस 0.03। और इसी तरह से हम निकालेंगे डेल्टा यन सिक्स इक्वल टू यन माइनस यन सिक्स तो 1.51 माइनस यन सिक्स की वैल्यू 1.53 तो हो गया माइनस 0.0। तो इस तरह से मीन एब्सोल्यूट निकालने के लिए पहले हम मीन से जो हमारा ऑब्जर्वेशन वैल्यू आया है इसको हम सबको माइनस करेंगे। हमने एक्सरसाइज के समय बताया था कि अब जो टर्म इसमें माइनस में आ रहा है तो इस माइनस के लिए जब हम मीन एब्सोल्यूट निकालेंगे तो इसके लिए टर्म हमारा मस्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर तो अब निकालेंगे, दूसरे पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं तो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एन वन प्लस डेल्टा एन टू प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा एन सिक्स बाई सिक्स। यानी जो हमारा डिफरेंस आएगा उसको भी हम सिक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे एरर निकालने के लिए हम अब लिखेंगे 0.06 प्लस, यहाँ पे जो माइनस आया इस माइनस को हमें नहीं शो करना है, हम सारे टर्म को ऐड करेंगे 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई 6। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 12, 15, 20, 26। हो जाएगा 0.04 प्लस माइनस का इस पर करेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट भी आ गया। तो मीन एब्सोल्यूट दूसरा हमारा पार्ट निकल चुका, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया इसका प्लस माइनस 0.04। अब इसमें तीसरा पार्ट आ रहा है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए फार्मूला क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर के लिए हम फार्मूला लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो फ्रैक्शनल एरर तीसरे पार्ट पे आते हैं, तो तीसरा हमारा पार्ट इसका जो है वो है फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन। तो अब ये हो गया कि हमारा मीन एब्सोल्यूट आया था इसका 0.04 अपॉन और ए आया था 1.5। तो अब यहाँ से अगर हम डिफाइन करें तो अब 0. तो इसका रिजल्ट हमारा आ जाएगा 0.03 प्लस माइनस। अब चौथा पार्ट इसका दिया हुआ है, चौथा पार्ट इसका दिया है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में जो हमारा फ्रैक्शनल एरर होता है तब हो जाएगा परसेंटेज एरर इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाई 100। तो फ्रैक्शनल का रिजल्ट आ चुका है तो इसको हम लिखेंगे 0.03 मल्टीप्लाई बाई 100
इक्वल टू 3%। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि फिर लास्ट में कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो अब यहाँ पे जब हम आंसर की बात करेंगे तो एक आंसर आएगा इसका, आंसर जब लिखेंगे तो जाएगा 1.51 प्लस माइनस 0.04, और दूसरा रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1.51 प्लस माइनस 0.03 का। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा आ गया समझ में कि पहले में हम क्या निकालें, मीन। मीन के लिए रिजल्ट आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर अपन ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्यूट निकालने के लिए हम मीन से हर टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो टर्म हमारा माइनस में आया था तो उसमें हमें माइनस साइन को इग्नोर करते हुए सभी टर्म को प्लस करके फिर उसके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया गया था, रिजल्ट आ गया। फ्रैक्शन निकालने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो मीन का रिजल्ट आ गया था 0.04 अपॉन 1.51, इसको डिवाइड करने पर आ गया 0.03%, 3 आ गया। फ्रैक्शन निकालने के लिए आते हैं फार्मूला लिखें या डायरेक्ट फ्रैक्शनल एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट एरर परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। आफ्टर दिस वी आर कमिंग ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है इसको देखते हैं पहले। सेकेंड क्वेश्चन है द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड आर मेजर टू बी 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड दैट। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे इसके सॉल्यूशन पाते हैं। तो क्वेश्चन में T1 की वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी लिक्विड को मेजर कर रहे हैं तो पहला उसका टेम्परेचर हमको मिल रहा है 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। फिर कह रहा है कि एंड T2, और T2 इसका आ रहा है 76.3 प्लस माइनस 0.डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, तो कह रहा है कि अगर किसी लिक्विड का इनिशियल टेम्परेचर 67.7.2 यानी इतने डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट लेने पर 0.2 डिग्री सेल्सियस का एरर है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब हो गया कि यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या तो बढ़ सकता है और यदि निगेटिव एरर होता तो उतना घट सकता है। कह रहा है कि उसी लिक्विड का जब हम फाइनल टेम्परेचर ले रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है हमारा 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने डिग्री सेल्सियस के मेजरमेंट पर 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा या तो राइज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। कह रहा है कि ऐसे में कैलकुलेट द राइजिंग टेम्परेचर, तो कह रहा है कि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम सॉल्यूशन बात करें तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो एरर इन सब्ट्रैक्शन डेल्टा टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 की बात करेंगे, हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो फाइनल हमारा वैल्यू है 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे हम 76.3 माइनस 67.7 को एक साथ यानी जिस पर हमारा एरर डिफाइन हो रहा है तो उस रिजल्ट पे जो उस पर एरर डिफाइन हो रहा है पहले उसको एक साथ लाएंगे, प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.2। एरर में हम कभी सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, एरर के रिजल्ट को हम आल्सो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, चाहे वह कंडीशन एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, प्रोडक्ट हो, डिवाइडिंग हो या कोशेंट का हो। तो अब यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 7 तो जाएगा नहीं तो कैरी करेगा तो हो जाएगा 13, तो हो गया 6, अब यहाँ पर हो गया 5, तो 15 से जाएगा कितना हो जाएगा 8, यानी 8.6 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसका हमारा आंसर हो गया कि डिफरेंस जो होगा वो होगा 8.6 डिग्री सेल्सियस का और इस पे मैक्सिमम जो एरर होगा वो होगा 0.5 डिग्री सेल्सियस, या तो टेम्परेचर राइज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो इन
दिस वीडियो वी आर डिस्कस द टू क्वेश्चंस. फर्स्ट वी आर यूजिंग द फार्मूला ऑफ मीन एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल एंड परसेंटेजर. और सेकंड मैंने किया सब्ट्रैक्शन, एरर इन सब्ट्रैक्शन. थैंक यू. एंड सम अदर मोर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एरर रिलेटेड एंड सब्ट्रैक्शन एरर रिलेटेड.